आखिरकार पाकिस्तान भारत के रास्ते पे चल पड़ा है। जानेंगे पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है चाइना को। अदानी आखिरकार भूटान में कर क्या रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को देश को IMF से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऋणदाता IMF के साथ बेलआउट पैकेज के लिए अगला समझौता देश के इतिहास का आखिरी समझौता होगा। शनिवार को अपने देश को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का मौजूदा कार्यक्रम पाकिस्तान के इतिहास का आखिरी समझौता होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संघीय बजट के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री शहबाज के पहले संबोधन को मुख्य आकर्षण विदेशी सहायता और बेलआउट पर पाकिस्तान की निर्भरता को समाप्त करने का संकल्प था। शहबाज ने यह भी कहा कि वो जब भी विदेश जाते हैं तो संबंधित देश से ये नहीं कहते हैं कि मुझे कर्ज चाहिए, वो उनसे इन्वेस्टमेंट की गुजारिश करते हैं। सरकार वर्तमान में IMF के साथ 6 से 8 बिलियन डॉलर के बीच के ऋण के लिए बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान धीमी गति वाली अर्थव्यवस्था के लिए डिफॉल्ट को रोकने के लिए ऋण कार्यक्रम को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जिन्होंने एक बार IMF से सहायता मांगी और फिर कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि हमने 24 से 25 बार IMF से संपर्क किया। मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर हमने कार्यक्रम और लक्ष्यों पर कायम रहे तो IMF के साथ अगला समझौता पाकिस्तान के इतिहास का आखिरी समझौता होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान स्थिरता और आत्मनिर्भरता के मामले में अपने पड़ोसी देशों से आगे निकल जाएगा। प्रधानमंत्री ने पूरे देश से देश को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने का आग्रह किया। सरकार राजकोष पर बोझ डालने वाले मंत्रालयों और विभागों को खत्म करेगी। प्रधानमंत्री ने राजकोष पर बोझ बनने वाले सभी संस्थानों, मंत्रालयों और विभागों को खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस कदम से ही करदाताओं के अरबों रुपए बचेंगे और देश समृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सभी मंत्रालयों और विभागों को समाप्त करना अपरिहार्य है जो देश की सेवा करने के बजाय जनता पर बोझ बन गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकार का ये प्रमुख दायित्व है कि वो सभी विलासितापूर्ण खर्चों ऐसे संस्थानों को साफ करें जिनका सार्वजनिक सेवा से कोई लेना देना नहीं है, जैसे लोक निर्माण विभाग। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में ये विभाग सबसे कुख्यात माना जाता है। उन्होंने उक्त विभाग के भक्तों और विशेषाधिकारों की आलोचना की जिसमें वेतन भी शामिल है जो उनके अनुसार सालाना 2 अरब रुपए से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए उन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से मिलने वाला धन 200 अरब रुपए तक हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि यदि विभाग के पास विकास निधि के लिए 100 अरब रुपए का पुल है तो इसका 50% या उससे भी अधिक भ्रष्टाचार में चला जाता है। शहबाज ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक मंत्री स्तरीय समिति बनाई गई है। उन्होंने राष्ट्र से वादा किया कि वे कुछ महीनों में इस संबंध में सकारात्मक परिणाम लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से केवल अरबों रुपए की बचत ही नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान समृद्धि की राह पे चलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दुनिया की शीर्ष कंपनियों में से एक को पूर्ण डिजिटलीकरण का काम सौंपा गया है। FBR के भीतर अक्षम कर्मियों को दरकिनार कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर जिस तरीके से भारत चल रहा है कुछ वैसा ही इस वक्त पाकिस्तान भी चलने की कोशिश कर रहा है। खैर, अब ये चीजें किस हद तक पूरी हो पाएंगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए अच्छी बात है अगर ग्रोथ की तरफ देख रहा है, आगे बढ़ने की तरफ देख रहा है तो। वहीं दूसरी तरफ भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने पड़ोसी देश भूटान में बहुत बड़ी डील क्रैक की है। और ये डील किस चीज की है? ये डील है पावर प्लांट की। रविवार को भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने 570 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोबगे के साथ भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से भी मुलाकात की। फिर उन्होंने इस ऐतिहासिक डील की घोषणा की। हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर हुए डील की घोषणा करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि भूटान के माननीय प्रधानमंत्री तासो शेरिंग तोबगे के साथ मुलाकात बेहद रोचक रही। चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट के लिए DGPC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पीए
पीएम भूटान को महामहिम नरेश की बुनियादी ढांचे की पहल को आगे बढ़ाते हुए देखना सराहनीय है। भूटान में हाइड्रो और अन्य बुनियादी ढांचे पर मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। अदानी समूह के चेयरमैन ने दोनों नेताओं के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। गौतम अदानी ने कहा कि उन्हें भूटान से नरेश से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ और वे भूटान के लिए उनके दृष्टिकोण गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी के लिए महत्वाकांक्षी पर्यावरण अनुकूल मास्टर प्लान जिसमें बड़े कंप्यूटिंग केंद्र और डेटा सुविधाएं शामिल हैं उससे प्रेरित भी हुए। उन्होंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट पे कहा कि भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भूटान के लिए उनके दृष्टिकोण और गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी के लिए महत्वाकांक्षी पर्यावरण अनुकूल मास्टर प्लान से प्रेरित हूँ जिसमें बड़े कंप्यूटिंग केंद्र और डेटा सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि कार्बन नकारात्मक राष्ट्र के लिए हरित ऊर्जा मैनेजमेंट के साथ साथ इन परिवर्तनकारी पहलों पर सहयोग करने के लिए उत्साहित हूँ। आपको बता दूं, इससे पहले पिछले साल नवंबर में गौतम अदानी ने भूटान नरेश से मुलाकात की थी और कहा था कि वो हमारे एक खुशहाल और गर्मजोशी से भरे पड़ोसी के लिए हरित बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देने के लिए अदानी समूह के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए उत्साहित हैं। आपको बता दें, गौतम अदानी हाथों में भूटान का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आना चीन के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि चीन इसी कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अदानी ने ये डील करते हुए चीन को बड़ा चोट दे दिया है। हमने आपको हाल ही में एक खबर दी थी और जिस खबर में हमने आपको बताया था कि भूटान और बांग्लादेश के बीच में भी बात हुई है और भूटान और बांग्लादेश के बीच जो बातचीत हुई है, बांग्लादेश भूटान से बिजली खरीदना चाहता है और ये बिजली भारत के जरिए खरीदना चाहता है। 570 मेगावाट का ये ग्रीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने को तैयार है भारत, यानी कि भारत की कंपनी, और ये चाइना के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। चाइना के लिए भूटान कितना महत्व रखता है ये हमने आपको पहले भी बताया है। भूटान पर कब्जा मतलब चाइना के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज और ये बहुत बड़ी चीज है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, इस हिमालयन देश के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है तो भारत के लिए भी ये हिमालय का देश। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कि बहुत ही चैलेंज भरा है भूटान और चाइना का रिश्ता और भूटान और भारत का रिश्ता, और इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पिछली बार जब इन्होंने चाइना से बैठक की तो चाइना एक तरफ भूटान से बैठक कर रहा था और दूसरी तरफ इनकी जमीनों को कब्जा रहा था, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि भूटान को अब पुराने दोस्त भारत की याद आ रही है और भारत के साथ ये रिश्तों को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। पिछली बार भूटान के नए पीएम भारत आए थे और भारत ने इस बार शपथ ग्रहण समारोह में भी भूटान के पीएम बुलाया था। ये दोनों देशों के बीच की नजदीकियों को दिखा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।